आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, तो स्वागत है आपका, मैं आपके साथ दीपांश यादव। बात करेंगे देश और दुनिया में, जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते फूक फूक कर दुनिया कदम रख रही है, वहीं नामी गिरामी फूड चेन्स अपने ऑर्डर को कस्टमर्स तक पहुंचाने में बड़ी लापरवाहियां कर रही हैं, जिसका एक उदाहरण बीते दिनों दिल्ली NCR के शहर नोएडा से सामने आया, जिसमें कस्टमर ने स्विगी फूड ऐप से खाना तो वेजिटेरियन ऑर्डर किया था, लेकिन बारबेक्यू जैसे नामी फूड चेन ने ऑर्डर को प्लेस करते वक्त बड़ी भूल कर दी, यानी कि वेज की जगह नॉन वेज का पार्सल शाकाहारी कस्टमर के घर तक पहुंचा दिया। और इसके बाद जब कस्टमर ने इसकी शिकायत बारबेक्यू से करी तो क्या जवाब मिला, सुनिए इस रिपोर्ट में। अगर आप भी घर बैठे ऐप के जरिए खाना ऑर्डर करने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि क्या किया और क्या लिया की घटना आपके साथ भी मजाक कर सकती है। सामने आई स्विगी और बारबेक्यू नेशन की बड़ी लापरवाही। मैं मांगेराम, हमने जो है कल स्विगी के द्वारा बारबेक्यू नेशन से वेज खाना मंगवाया, उसमें एक बॉक्स नॉन वेज बिरयानी का निकला और बच्चों ने उसमें से थोड़ी बहुत गलती से बाइट ले भी ली। जब मुझे पता चला कि इसमें नॉन वेज बिरयानी है तो मैंने वो सारा खाना जो है अलग बॉक्स में वापस पैक कर दिया। अब इसमें जो है हमारे मतलब बिल्कुल धर्म भ्रष्ट हो चुका है, नॉन वेज हमारे फैमिली में कभी किसी ने खाया नहीं, नॉन वेज खाने के बाद में बिल्कुल मतलब ये तो एक तरीके का जो है बहुत बड़ी लापरवाही है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, और हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है बिल्कुल इन लोगों ने। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो भी जिसने भी जिस भी कंपनी ने। जी सर बताइए। सर गुड आफ्टरनून, मैं मनीष बात कर रहा था बारीक नेशन से। जी पहचान लिया, बताइए। सर हमारे शेफ आ रखे थे वहाँ नोएडा वाशरूम, वो आपसे मिलना चाह रहे थे सर। किस रिगार्डिंग? सर कल वो जो BIV में आया था वेज का नॉन वेज के रिगार्डिंग सर। जी तो मैं क्या बात करूँ सर उनसे? सर वो आपको बताएंगे कि क्या हम प्रोसेस फॉलो करते हैं एंड क्या प्रिकॉशंस हैं, एंड COVID-19 के बाद तो हम और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। नहीं COVID-19 कहाँ से आ गया इसमें? COVID-19 ये कहता है क्या कि वेज की जगह नॉन वेज भेज दो? नहीं सर वो तो हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हो सर? इसलिए तो हम आपसे मिलना चाह रहे हैं ना सर। अच्छा ये सर मैंने आपको फोटोज भेजे हैं। ओके सर वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है सर। यस सर। और मुझे जो है ना रिटर्न में दे दीजिए कि हाँ भाई ये तुम्हारी गलती है, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर गलती है तो नहीं सर, गलती तो है सर, हम आप रेगुलर गेस्ट हैं बारीक नेशन के, इसलिए आपको नहीं आप चाहते हैं रिटर्न में दोगे ना, आप या ऐसे ही बोल दोगे? यस सर आप चेक करके जो भी वेरिफिकेशन आपकी इन्वेस्टिगेशन हो वो चेक कर करा के मुझे रिटर्न में इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि जो भी हुआ वो हमारी गलती, आगे से ऐसा नहीं होगा। यस सर। क्योंकि सर देखो मैंने जो ऑब्जेक्शन उठाया है ये कुछ सोच के उठाया है। सर मैं एग्री करता हूँ सर, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हमारी फैमिली ऑर्डर करती है। नहीं, आप एक बात बताओ, आप मेरे घर के अंदर आओगे ना कम से कम 50 जो तस्वीरें हैं वो भगवान की दिखेंगे आपको एंट्री करते ही। ओके सर। हमारे घर में आज तक किसी बच्चे ने अंडा तक नहीं छुआ, वो अच्छा, वो अच्छा। 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं था एक्चुअली, जो थोड़े बड़े होते तो पता चल जाता। समझ रहे हो ना? यस सर यस सर। तो उनको क्या पता वो राइस के साथ क्या खा रहे हैं? यस सर। तो आप देखो जो भी हुआ है वो आप मुझे भेज दो कि भैया जो भी जैसा भी है ये हम गलती मान रहे हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर गलती है तो नहीं सर, गलती तो है सर, हम उसको लड़का जो वेज नॉन वेज वो एक साथ पैक कर रहा था उसने वेज का नॉन वेज मिला दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता है चिकन है मटन है ये कुछ कबूतर है ये क्या है, मुझे तो ये इतना भी नहीं पता अभी। नहीं सर ये चिकन बिरयानी थी सर, ये नॉन वेज BIV में जाती है।
तो मैंने फिर वो सारा का सारा खाना जो है ना एक साइड, मतलब पूरा खाया भी नहीं उन्होंने, ऐसे पूरा का पूरा पैक करके मैंने बॉक्स में रख दिया अलग। तो आप भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे। सर रिटर्न में तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ अपने हाँ, सीनियर पूछ से। लीजिए, क्योंकि सारी चीजें मैंने तुरंत रात में बारबेक्यू नेशन को टैग करके ट्वीट भी कर दिया था। हाँ सर वो देख लिया मैंने। ठीक है जी, क्योंकि ये अब एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने हमारे पेरेंट्स ने आज तक, आप ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करा सकते हो कि हमारी पूरी फैमिली में से कभी किसी ने अंडा भी खाया हो या चिकन खाया हो। यस सर, ये खत्म करना है जैसा भी है वो देख लो, अगर रिटर्न में दे सकते हो मुझे, क्योंकि शिकायत तो मैंने रात ही, जो मेरे पास दूसरा नंबर था आपके जो जूनियर हैं, तो तभी मैंने फोटोज भेज दिए थे। हाँ जी सर, स्विगी को भी भेज दिए थे, जो बंदा दे के आया था मतलब डिलीवर करके गया था मुझे, उस बंदे ने बात भी कराई फिर उससे, आपके शेफ से जाके। अच्छा सर। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन, साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।